ओके देन सो वन लास्ट टाइम कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द पेपर एंड इंश्योरिंग दैट इट गोज बेस्ट सबसे पहले पेपर विल बी चैलेंजिंग स्पेशली एमसीक्यू घबराना नहीं है सी इट्स अ सीए फाइनल एग्जामिनेशन आजकल पेपर थोड़ा बहुत भी डिफिकल्ट आता है तो स्टूडेंट को लगता है अरे यार ये क्या हो गया वी आर प्रिपेयर फॉर दिस राइट सीए फाइनल अपने लाइफ का सबसे टफेस्ट एग्जाम दे रहे अपन सो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग आया वी आर हियर टू फाइट इट आउट पूरे इंडिया के लिए पेपर डिफिकल्ट है जो वो टाइम पे काम पेशेंट एंड सिस्टमैटिकली चीजों को सॉल्व करेगा विल विन द कॉन्टेस्ट एज सिंपल एज दैट हम भी सीए डिफिकल्ट पेपर देकर ही बने इसके लिए आज इतना प्राउड फील करते हैं आप भी डिफिकल्ट पेपर दे के सीए बनो देखो एक अलग ही लेवल का तेवर रहेगा सो टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर लेट द पेपर बी चैलेंजिंग तब मजा आएगा पेपर को सॉल्व करने का वो टाइम पे आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो विल रियली शो अ लॉट अबाउट योर सेल्फ सो ठीक है मान, मान के जाओ कि यस पेपर चैलेंजिंग आएगा एंड अपन उसको अटेम्प्ट करेंगे बाकी मैं तो भाई, अभी एक ही इंसान को फॉलो करता हूं जब टेंशन में हो था। यार एकदम रहने का, थाला धोनी था द था बेस्ट सेकंड इंश्योर स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज पेपर्स लेंदी है तो लोग एमसीक्यू में आपका टाइम हो सकता है सेव हो जाए अगर एमसीक्यू भी वो केस सिनारी और सम्स वाले आए तो फिर घूम फिर यू नो स्पीड इज़ गोइंग टू अ लॉट सो प्लीज बी वेरी वेरी एक्टिव मेरे साथ ही हो चुका है मेरे SFM के ही सब्जेक्ट में मैंने जब पेपर दिया था तो एक दो सिली मिस्टेक्स हो गई थी जो मुझे बाद में रियलाइज हुई कि आई मैं वो टाइम पे शायद डबल चेक कर लेता इट वुड है क्योंकि टेंशन uh, का माहौल होता है ना एग्जाम के टाइम पे सो so, थोड़ा सा uh, होता है ऊपर नीचे सो इट्स बेटर टू रीचेक चेक द कैलकुलेशंस ट्वाइस राइट फॉर्मूलाज वेर एवर पॉसिबल ए एफ इज ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ फॉर्मुलज जहां जहां पे भी पॉसिबल हो जैसे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड्स है ये सब में काफी सारे फॉर्मूलाज है और लॉजिकली uh, आप लोगों को काइंड ऑफ आइडिया रहता है तो उसको लिख लो पहले एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट सो दैट दैट विल विल गिव गिव यू द एग्जामिनर बेसिकली अ बेटर इंप्रेशन मार्क्स आर फॉर स्टेप्स तो प्लीज स्टेप्स को बराबर से सिस्टमैटिकली लिखो एंड दैट्स हाउ यू अटेम्प्ट योर पेपर एंड हंड्रेड मार्क्स अटेम्प्ट करके आना ही आना है दैट्स द रीजन पॉइंट नंबर टू इंश्योर स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग एक मार्क भी इंस्टीट्यूट को अपन फ्री में देके नहीं आएंगे हक से पूरा का पूरा, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके अच्छा।

टॉप फोर क्वेश्चन जो आप सॉल्व करने वाले हो उसको एकदम आपको सिस्टमैटिकली वर्कआउट कर लेना है यूज यूज बट 15 very, very go happy, अच्छी तरह से लिखना स्टे काम ठीक है ना चीजों को ब्रेक कर, -कर करके आराम आराम से करते जाना हो जाएगा अब तक यहां तक इतना मेहनत करके पहुंचे हो बस थोड़ा सा और एंड द डेस्टिनेशन इज देर आसता प्रेम फॉर द बेस्ट टेक केयर एंड गिव द पेपर विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड थैंक यू